हेलो फ्रेंड्स, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। यदि आप भी सरकारी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन के साथ यदि आपने बीएड कर रखी है, सीटेट कर रखी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्रत्येक राज्य की सरकारी टीचर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचाई जाती है। और आप कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर टाइप करें ताकि हम आपको आपके राज्य संबंधी जानकारी सबसे पहले दे सकें। आज के इस वीडियो में सबसे पहले बात करने वाले हैं, अगर आपने बीएड पास कर लिया और टीचर बनने का आप सपना देख रहे हैं तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद ने दी है और उन्होंने कहा है कि आज से 3 साल पहले प्राइमरी स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम की योग्यता रखी थी। इससे बीएड जो डिग्रीधारी उच्च प्राथमिक स्कूलों तक ही हो गए थे। नए संशोधन के अनुसार अब बीएड पास भी टीचर के तौर पे पढ़ा सकते हैं। हालांकि इसमें एक और योग्यता को जोड़ा गया है। इस योग्यता के अनुसार यदि आपने ग्रेजुएशन जो है 50% अंकों के साथ की है तो इसमें एक आपको जो बताया गया है जोड़ने संबंधी डिटेल्स 50% ग्रेजुएशन में यदि आपने प्राप्त की है और इसके अलावा प्राइमरी टीचर के तौर पर नियुक्त होने के 6 महीने अंदर, यानी कि आपको एक ब्रिज कोर्स पास करना होगा, यानी कि आपको टीचर्स की नौकरी मिलने के बाद 6 महीने के अंदर आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा। और इसी के साथ बीएड के साथ यदि आपने टेट पास करना भी इस भर्ती प्रक्रिया में जरूरी होगा। और इस प्रकार ये संशोधन अभी किए गए हैं और इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट बीएड संबंधित जानकारी और इसके साथ रीट संबंधित जानकारी, सीटेट और अन्य जो टेट की जो एग्जाम है उनसे संबंधित यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।